एक चालान आपका यहाँ से भी आ सकता है। स्पीड पे, स्पीड पे आया। कितनी होनी चाहिए थी, कितनी आई? 60 होनी चाहिए थी, 73 आई है मेरी। कहाँ पे, कौन से रोड? टॉक रोड पे। तो ई मित्र पे हो गया अपना चालान जमा। अरे अंकल कहाँ पे आ रहे हैं आप? तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो है आपको ई चालान के लिए, क्योंकि आज अपन का ई चालान आया। ई चालान का मतलब आपको घर पे बैठे बैठे चालान मिलेगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो गलतियाँ कर रहे हो वो घर पे आके आपको बता दिया जाएगा कि भैया आपने ये गलती की है और आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। तो आज मैं वीडियो बनाने कुछ और जा रहा था, लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकला तो पोस्टमैन साहब आते हैं, भैया आपका चालान पकड़ो, पहले सिग्नेचर करो। तो जो मेरा चालान था वो था 400 रुपीज़ का। तो आपको बताया जाएगा ई चालान सिस्टम है क्या जयपुर में, क्योंकि काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है मामला और घर पे बैठे बैठे आपके चालान आ जाते हैं। अगर आप कोई गलती करते हो रोड पे चलते हुए, ओवर स्पीडिंग करते हो, बिना हेलमेट जा रहे हो, ट्रिपलिंग कर रहे हो, तो आपको महंगा पड़ सकता है, क्योंकि आपके घर बैठे बैठे चालान आ जाएगा। और वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आपको चालान नहीं भरने पे क्या होगा और क्या क्या आपको नुकसान हो सकता है। तो पहला पॉइंट आपको दिखाया जाए JLN पे, जहाँ पे आपको ई चालान का ख़तरा है, वो है कॉमर्स कॉलेज के जस्ट सामने। तो आप सेफ़ रहें, आराम से चलाओ गाड़ी। इनका पर्पज़ यही है, चालान काटना नहीं है, इनका पर्पज़ ये है कि आप लोग सेफ़ रहो, ज़्यादा ओवर स्पीड ना करो। तो आपको एक दिखाया जाए, एक तो ये रहा, तो आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। तो ये रहा वो कॉमर्स कॉलेज के सामने जो पॉइंट है, तो ये देख रहे हो आप, यहाँ पे लगे हैं कैमरास। और अगर यहाँ से आप नीचे से जाओगे ओवर स्पीड करते हुए या विदाउट हेलमेट, तो ये कैमरा आपको कैप्चर कर लेंगे, और कैमरा कैप्चर होने के बाद आपके घर पे चालान आएगा सीधा सीधा। तो ये तो हो गया एक पॉइंट, जहाँ पे कॉमर्स कॉलेज के बाहर कैमरा लगे हुए हैं। आपको दो तीन पॉइंट्स और दिखाऊंगा, और इन द एंड वीडियो में ये भी बताऊंगा कि मेरा चालान कौन सी जगह से आया था और किस जगह मैंने 73 की स्पीड पे मेरी गाड़ी चलाई थी। वैसे जो लिमिट है बाइक की वो है 60, और कार की भी इतनी होगी आई गैस, क्योंकि कार में भी चालान आ जाता है घर पे। तो जयपुर में एक्चुअली क्या ना, कोई लेन सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अगर आप यार कार से भी हो ना, तो भैया सेफ रहना अब, क्योंकि मामला काफ़ी संगीन हो चुका है अब चालान के मामले में। तो आपको दूसरा पॉइंट भी दिखाया जाए, तो ये रहा दूसरा पॉइंट जहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, ये रहा। आपको जूम करके दिखाया जाए, देखो किस तरीके से यहाँ पे कैमरा लगे हुए हैं। तो ये देख लो आप, सरस पार्लर के बाहर भी कैमरा लगे हुए हैं, तीन कैमरा लगे हुए हैं, एक दो तीन, ये तीन लेन है यहाँ पे, तो तीनों लेन के ऊपर तीन कैमरे लगे हुए हैं। तो ड्रेस में जाई जा रही कैमरा। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट, जाना मेरी गलती है, मैंने 73 पे चलाया, और मैं एडमिट करता हूँ कि मेरी गलती थी, मैं 73 पे क्यों चला रहा था। लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि मैं 30 क्यों चला रहा था, तौसीफ भाई के पास, क्योंकि उनको रोज़ा खोलना था और मेरे को फटाफट से उन लोगों के पास जाना था, क्योंकि उन लोगों को कैमरा लेना था एक, और वो लोग लेट हो रहे थे, इसलिए मैंने 30 चलाई वहाँ। बल्कि JLN पे आपको 5 से 6 पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पे कैमरा लगे हुए हैं, तो वहाँ से कभी मत निकलना स्पीड के अंदर, वरना आपके घर बैठे बैठे चालान आ जाएगा, और सुबह पहले आपको अच्छा सा सरप्राइज मिलेगा एक पोस्टमैन के थ्रू। अब ये वाले जो कैमरा दिख रहा है ना आपको, ये सिर्फ चौराहे पे काम करते हैं। अगर चौराहे पे कोई रेड सिग्नल तोड़ रहा है या कुछ और कर रहा है, तो ये भी यहाँ से फ़ोटो खींच लेते हैं और घर पे आपको फ़ोटो भेज देंगे आराम से, तसल्ली से बैठ के देखिए आप। तो लेन सिस्टम में अभी जो यहाँ पे स्पीड दिखा रहा है वो है 60 वाली दिखा रहा है जीप और कार के लिए, 30-40 दिखा रहा है बाइक के लिए, टू व्हीलर्स के लिए, थ्री व्हीलर्स के लिए। रूल तोड़ते हो तो आपके घर पे चालान आएगा, अगर आप नहीं भरते हो तो आपको थोड़े दिनों बाद नोटिस मिलेगा, फिर आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा यादगार में, जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का ऑफिस है,
और उसके बाद आपको अगर तीन चालान आपके रेगुलर आते हैं तो तीसरे चैनल पे आपको पेनल्टी कुछ डबल हो जाती है और आपका लाइसेंस भी जब्त हो सकता है, पंच हो सकता है और उसके बाद शायद आपका लाइसेंस एक साल के लिए छीन लिया जाए, जिसमें अगर आप पकड़े जाते हो बिना लाइसेंस के अगर ड्राइव करते हुए बाइक चलाते हुए तो आपको एक साल की जेल भी हो सकती है। तो ये सेम लोकेशन थी जहाँ से मेरा चालान आया, जहाँ से अपना लव लेटर आया है तो अभी दिखाया जाए आपको कहाँ पे मेरा चालान बना है, जहाँ पे मैं कैप्चर हुआ हूँ। शायद यही टाइमिंग था, एक घंटे बाद 7:35 अराउंड का मेरा चालान हुआ है। तो ये है वो जगह है, आपको मैं मेरी चालान वाली रिसिप्ट भी दिखाता हूँ एक सेकेंड। उससे पहले मैं आपको जूम करके कैमरा दिखाता हूँ वहाँ पे। तो ये है वो जगह जहाँ पे कैमरा लगे हुए हैं, देख रहे हो ना आप, तो यहीं से मेरी फ़ोटो खींची है बढ़िया वाली तो अब आपको वो फ़ोटो दिखाई जाए जहाँ पे मेरा चालान आया है। ये है अपन का चालान जिसमें ऐसे कुछ फ़ोटो आती है, दिख रहा है यहाँ पे सब टाइमिंग वगैरह लिखी हुई है। मेरी जो स्पीड है जो डिटेक्ट हुई है वो है 73, स्पीड लिमिट है 60 और जो मेरा चालान हुआ है वो है 400 रुपीज़। तो आप इस चालान को या तो ई मित्र के थ्रू डिपॉजिट करवा सकते हो, वरना आपको यादगार जाना पड़ेगा और वहीं पे आपको चालान आपका डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, आपको लाइसेंस चाहिए होगा। और ई मित्र पे जाते हो तो आपको लाइसेंस नहीं चाहिए होगा, सिर्फ आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बताना पड़ेगा। तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों को अवेयर करने के लिए है, अगर आप लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्रैफिक पुलिस कर रही है, आप लोगों के घर पे चालान आएगा और आप लोगों के और आपके खिलाफ एक लीगल एक्शन भी लिया जाएगा अगर आप फिर भी फॉलो नहीं करते हो। तो एक चालान आपका यहाँ से भी आ सकता है, JLN पे आपको मिलेगा, पौधदार स्कूल मेरे लेफ्ट में है और यहाँ पे लगे हुए हैं कैमरास, देख रहे हो ना आप ऊपर, तो आज इनकी फ़ोटो अपन खींच लेते हैं तो यार गाइस ध्यान रखो अपना, और आप लोगों को ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हो, और भी काफ़ी सारे वीडियोस आने वाले हैं अब, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम बाय, राइड सेफ।